नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। खबर शुरू करने से पहले हमारे चैनल की ओर से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप, जैसा कि जानते हैं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और नदियों का पानी ओवरफ्लो है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे चैनल की अपील है कि आप ऐसे खतरे वाली जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं। थोड़ी सी मौज मस्ती हमारे जीवन को, आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। बुलंदशहर में सियाना ब्लॉक प्रमुख को मिली जान से मारने की धमकी। बुलंदशहर नगर कोतवाली में लोगों के साथ खड़े ये सियाना ब्लॉक प्रमुख ललिता चौहान के पति संजीव चौहान हैं। संजीव चौहान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए नगर कोतवाली बुलंदशहर में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वह कुछ लोगों के साथ सियाना से बुलंदशहर आ रहे थे, तो रास्ते में एक गाड़ी ने उनका पीछा किया और रास्ते में रोककर उनके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि वह स्कॉर्पियो गाड़ी से भाग गए। उसके बाद कोतवाली नगर में तहरीर देते हुए उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है और जान माल की सुरक्षा व दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजीव चौहान। संजीव जी, आप कोतवाली आए, तहरीर दे रहे हैं, क्या क्या मामला पूरा? ऐसा था कि आज हम लोगों को सियाने आना था और मेरे सियाने, मेरी गाड़ी के अंदर कुछ और भी लोग थे, गनर भी था। मेरी वाइफ सियाने से ब्लॉक प्रमुख है और मुझे पहले से भी आशंका थी कि कोई मेरा पीछा करता है, पर मैंने देखा कि कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या अवस्था होती है। तो आज हम लोग बुलंदशहर आ रहे थे और बुलंदशहर से मेरे ड्राइवर ने कहा कि कोई पीछा कर रहा हमारा जी। तो मैंने भी देखा कि हाँ गाड़ी थी, तो मेरे ड्राइवर ने बोला ये अंकित है, जो दूसरे हमारे सामने जो पार्टी ब्लॉक प्रमुख खड़ी है उसका सहयोगी है ये। तो हमने कहा कोई बात नहीं, सियाने चलते हैं। तो ये हमारा रेगुलर आगे पीछे पीछा करता रहे और इसने आके हमारी गाड़ी के आगे सामने बिल्कुल गाड़ी लगा दी और इसके साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। ये 5-7 लोग उतरे और उतरने के बाद मेरे साथ इन्होंने गाली गलौज करी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और धमकी देने के बाद में जैसे ही मेरा गनर उतरा तो ये 4-5 लोग स्कॉर्पियो में बैठ के भाग गए। आज आप यहाँ कोतवाली आए नगर कोतवाली में, तो क्या तहरीर दी आपने? तहरीर दी है कि मेरे को इन लोगों से जान का खतरा है, यही तहरीर में लिखा है। जो जो घटना हुई थी वो सब तहरीर के अंदर लिखी हुई है और मुझे इन लोगों से जान, अपनी जान का खतरा है।